तो क्या हाल है भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भूतिया वीडियो, जिसमें भूतियापा छोड़ के आपको बाकी सारा चुतियापा मिलेगा। तो मेरे हाथ एक ऐसा चैनल लगा है जिसमें दो तीन बंदे भूतिया जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और भाई साहब इनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज देख के ना मेरे अंदर का भूत शर्मा गया, और दो भूत तो मेरे बेड के नीचे से आगे निकल के मेरे को लानत दी कि भाई तो हम पे वीडियोस क्यों नहीं बनाता। मतलब कुछ आवाम चूतिया है ये मुझे बताता, लेकिन ऐसी कौन सी आवाम है जो उनकी वीडियोस को भी रियल मानती है। ये लोग तो प्रैंकस्टर से भी दो हाथ आगे निकले। प्रैंकस्टर तो चलो इंसानों के साथ बच्चोदी करते थे, लेकिन इन लोग ने तो भाई भूतों को भी नहीं छोड़ा। तो आप लोग को उनकी इन्वेस्टिगेशन दिखाता हूँ। तो कमजोर दिल के हजरात इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भूत के अलावा आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन चूतिया दिमाग वाले लोग ना इस वीडियो से दूर रहे। अब ये लोग 300 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, नहीं इनको इतने सारे भूत मिल कहाँ से रहे हैं। और इनकी हर वीडियो तकरीबन 30 मिनट से ऊपर की है, लेकिन एक भी वीडियो में मुझे भूत नहीं दिखा। तो आओ इनकी सबसे पॉपुलर वीडियो पे नज़र मारते हैं। तो उस वीडियो की बैक स्टोरी है कि इस बंदे ने इन चार बंदों को भूत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है। तो उस घर का सीन ये है कि इसमें बच्चे ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे और एक बच्चा ऊपर कमरे में लॉक हो गया। मैंने बताया ना आपको बच्चे के बारे में, बच्चे ऊपर बताया ऊपर कोई आवाज़ आ रही है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो वह ऐसे ही एक पहले मामला तो पता चल रहा है हमें, तो वहाँ बच्चा एक कमरे में बंद हो गया था, वो खेल रहे थे ना बाहर से, उसने लॉक लगा दिया, वो था लॉक, वो ऑटोमेटिक था, वो लॉक लग गया। तो जैसा कि इन चाचा ने कहा ऑटोमेटिक लॉक था डोर में। हाँ वो अलग बात है कि ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो हर दरवाजे में कुंडी होती है, लेकिन हमने मान लिया कुंडी ऑटोमेटिक है। बाद बच्चे को वो नहीं खुला, वो उसने काफ़ी शोर डाला, लेकिन वो घर वाले परेशान हो गए, वो बच्चा किधर गया हमारा, वो तहकीक करते ऊपर गए, तो जब उन्होंने देखा बच्चे ने बताया इसके अंदर वो बच्चा गया, वो बाल उठाने के लिए उसने जोर से धक्का लगा दिया बाहर से दूसरे बच्चे ने, तो दरवाजा लॉक हो गया। उसके बाद जब वो बच्चे को उन्होंने बड़ी मुश्किल से लॉक खोला, देखा तो बच्चा वहाँ पे मौजूद नहीं था। अच्छा। सब हैरान परेशान हो गए, बच्चा कहाँ गया। तो ये मामला था। तो ये इसकी स्टोरी है कि बच्चा ऊपर गायब हो गया, और ऊपर बच्चों के क्रिकेट खेलने की आवाज़ें आती रहती हैं, और बस ये बता के ये बंदा चला जाता है। और इनकी 30 मिनट की वीडियो में 11 मिनट तक सिर्फ यही हुआ है, और 11 से 16 मिनट तक ये लोग चूतियों की तरह बस ये इधर उधर घर में घूमते रहते हैं, और अब फाइनली इनको भूत दिखने वाला है। देखिए शाही भाई, रिकॉर्ड हुआ कुछ नहीं देखा इस चूतिए ने, ये तो ठीक से ऊपर भी नहीं गया और बोल क्या रहा है कि भाग के आई हमारी तरफ, भाग कर आई है यार हमारी तरफ। और जरा देखते हैं इनके मोबाइल में क्या रिकॉर्ड हुआ है। नहीं क्या है इस रिकॉर्डिंग में, इसमें तो बस वाइट वाइट कुछ पड़ा हुआ सामने, वो चुड़ैल गाय जो भागती हुई थी इसकी तरफ, और ये वाइट वाइट को इतना फोकस करके क्या दिखा रहे हो, नहीं कहा भूत कहाँ है इसमें। चलो आओ भूत ढूंढते हैं। आओ भाई इनका भूत पकड़ते हैं। हाँ भाई दिखाओ किधर है भूत, कहाँ है भूत, किधर है, सब कुछ बढ़ा दिया, कहाँ है भूत, कहाँ है इसमें। मुझे लग रहा है वो अगर रिकॉर्ड करें जो बताया गया था, ये बताया गया था ना बच्चे का, मेरा ख्याल ये वही होते हैं, हो सकता है वो लड़का अंदर गया था उसके बाद मिला नहीं। हाँ तो ये वो ऑटोमेटिक कुंडी वाला रूम जिसमें बच्चा गया था और उसके बाद मिला नहीं। अगर तो वो चीज मतलब उन्होंने कैद की हुई है, तो जो इस जगह पर बैठी हुई वो क्या, वो क्या, इसका मतलब इसके अंदर भी है, इसके अंदर और बाहर भी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाहर तो है मखलूक, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो उसमें कितना इजाफा हो जाएगा उस मखलूक में। वाहन के सवाल तो चेक करो ये बोल क्या रहे, वो बोल रहा है अंदर भी भूत है बाहर भी भूत है, और वो सामने से बोल रहा है कि अगर अंदर वाला भूत खोल देंगे तो भूतों में कितना इजाफा हो जाएगा। अबे क्या बस कंडक्टर था पहले, बंदे गिन रहे, दो अंदर हैं एक बाहर है, तीन के बैठने की जगह है, चौथा बंदा कहाँ जाएगा। अबे भाई भूत का है, भूत दिखाओ हमें। जो अंदर है जो बाहर मखलूक है उसको उसको खुलाना चाहती है अंदर, या जो या अंदर वाले बोला जाता है कि ऐसे लगा मुझे जैसे ना कोई इधर से भाग कर गया, लाल रंग का शैडो था, जैसे भाग रहा हो कोई, इस तरह की आवाज आई, सुनो आवाज आई किसी चीज की, जैसे कोई चीज गिरी ऊपर से,
बस पूरी वीडियो में भूत के नाम पे यही होता रहता है। इनका अपना एक बंदा बस डोर बंद कुल करता रहता है, दूसरा बंदा इधर उधर चीजें लाता रहता है और हू हू आवाजें निकालता रहता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है मुझे वहाँ वो दिख रहा है, मुझे वहाँ वो दिख रहा है। अबे हमें क्यों नहीं दिख रहा, हमें भी तो दिखाओ। और बस पूरी वीडियो में थोड़ी देर तक यही चुतियापा करते रहे और वीडियो खत्म। लेकिन रुको, अभी सबर करो, इसी वीडियो का पार्ट टू भी है। तो उनकी ये वीडियो इधर खत्म होती है जहाँ पे ऑटोमेटिक कुंडी वाला लॉक खुल होता है। शहरी भाई इधर मारे लाइट। वो तस्बीह कहाँ गई यार? हाँ अभी मैंने इधर तस्बीह रखी थी अंदर आते ही। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे आवाज है जैसे वो खेल रहा है बॉल के साथ और एकदम किसी चीज में लगी है। अबे तो हमें क्यों नहीं आ रही आवाज़, नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही आवाज़, नहीं ऐसा कौन सा नशा करना पड़ता है जिसके बाद हमें भी वो आवाज़ सुनाई देगी। सिर्फ एक दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ है और इसमें से पूरी कहानी बना दी कि बच्चा उधर क्रिकेट खेल रहा है, उसने शॉट मारा, छक्का हो गया, मैच जीत गया, मैन ऑफ द मैच मिल गया उसको, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया। अबे मतलब जो समझ में आ रहा है बोले जा रहे हैं। ओए वो देखो जी यार उधर देखो, बात कोई चीज नहीं चल रही है यार। ओए जरा कैमरा ले रहा सफर भाई नीचे लाइट करो यार। बात इतनी तेज भागता हुआ है ये सीढ़ियों से कि इससे बोला भी नहीं जा रहा। आओ जरा चेक करते हैं कि कितनी तेज भागता हुआ है ये सीढ़ियों से। ये चेक करें आप, ये कितनी स्पीड से भागता हुआ है, यानी फ्लैश की गांठ फट जाए इतनी स्पीड देख के। ज्यादा मेंशन किया था इस रूम का या ऊपर का? नहीं क्या ये इतना फोकस करके ये क्या दिखा रहे हो, क्या ये भूत है? ये लेंस के सामने कोई डस्ट वगैरह आ गई उसको फोकस करके दिखा रहे हैं कि ये भूत है? अबे इससे अच्छा भूत तो मैं डाल सकता हूँ एडिट करके। सबर मैं करके दिखाता हूँ। आपको मेन वजह बताऊं, वो जो आपने किया है ना, वो तस्वीर जो है हमने जो अच्छा आप समझ में आया पूरा सीन, भूल भुलैया मूवी चल रही है ये, उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, ये दरवाजा वगैरह खोलते हैं और भूत वगैरह के सीन होते हैं। अभी देखना इस रूम से मंजिली का निकलेगी गाना गाते हुए। इधर देखिए मतलब कुछ भी, कैमरा उधर किया उसने वहां से हाथ से तस्वीर लाई, वहां लाके बोल रहा वो देखो वो भूत हिला रहा है उसको। अबे तो हमें क्यों नहीं दिख रही कोई खुद हिलती हुई चीज? इनके पूरे करियर में कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई जो पहले बिल्कुल सही पड़ी और उसके बाद खुद मूव हुई हो। यहाँ तो चीज मूव होने के बाद हमें दिखाते हैं, यहाँ तो पहले कुछ चीज हिलाते हैं उसके बाद हिलती हुई चीज हमें दिखाते हैं। लेकिन हम चूती हैं, हमने मान लिया कि हाँ ये भूत ही हिला रहा है। हाँ मैंने खुद देखा गई है, तस्वीर पड़ी है यार, ये तो यहाँ पे नहीं थी पहले, वही कह रहा हूँ अभी पड़ी है। हाँ यार उस वक्त नहीं थी, अब आ गई वापस, मैंने खुद देखा भूत रख कर गया अभी अभी, और अभी तो भूत इनकी धुलाई भी करेगा देखना कैसे। तो भूत आगे इनके धुलाई करके चले गए ना, माइक बंद हुआ ना, ऑडियो खराब हुई ना, कैमरा बंद हुआ ना, रिकॉर्डिंग बंद हुई, सिर्फ लाइट बंद हो गई इनकी। ठीक हो दबाया चार भाई, तुम ठीक हो? जलन हो रही है मेरी साइड पे, जलन हो रही है, निशान नजर आ रहे हैं किसी चीज के ना, जैसे नोखन लगे होते हैं। नहीं किधर है निशान, किधर है, मुझे सिर्फ निशान दिखा दो नाखून के, मैं मान लूंगा कि हाँ भाई ये रियल है। तो आ जाओ निशान चेक करते हैं इसका। किधर है कोई निशान? निशान तो देख के रहूंगा मैं। हाँ मेरे को किधर है निशान, किधर तेरे को भूत ने लपेट दिया मेरे को दिखा, किधर भाग रहा है, किधर है, किधर है निशान, किधर है निशान, किधर है निशान, किधर है ये निशान दिखा मुझे, किधर है निशान, कहाँ तेरे को भूत ने धपकड़ दी थी, ये मेरे को दिखा। लो
चलो और बस इन लोग ने वो गेट बंद कर दिया और नीचे आ गए वापस। और फिर 10 मिनट बैठ के इन लोग ने फालतू की लंबी करी और उसके बाद वीडियो खत्म। तो उन लोग ने इस वीडियो में किया क्या, एक घर में आए, ऑटोमेटिक वाला रूम खोल के इन लोग ने भूत को बाहर निकाला, थोड़ी देर भूत के साथ बच्चोतियां करी, भूत उसके बाद वापस खुद ही कमरे में चला गया, उन लोग ने जाके वापस बंद कर दिया और इनकी बन गई एक घंटे की वीडियो। और इन वीडियोज में एक वीडियो में 3 मिलियन व्यूज और दूसरे वीडियो में 5 मिलियन व्यूज इन चुतियापे की वीडियोज पर। पता है 8 मिलियन कितने होते हैं व्यूज? यंग स्टैंडर्ड्स का वाई नॉट सॉन्ग सुना होगा आप लोग ने, कितना फेमस है, उस पर 1.8 मिलियन व्यूज है और इस पे 8 मिलियन। आजाद चाय वाले की सबसे पॉपुलर वीडियो पे 2.2 मिलियन व्यूज है और इस वीडियो पे 8 मिलियन। वकार जगह के YouTube के सबसे पॉपुलर वीडियोस के व्यू 1.7 मिलियन और इस वीडियो के 8 मिलियन। दी इडियट्स के चैनल की सबसे फेमस वीडियो के व्यूज 5.2 मिलियन और इसके 8 मिलियन। कराची वाइंस के सबसे पॉपुलर वीडियो के व्यू 5.2 मिलियन और इस पे 8 मिलियन। पता है क्यों? हम चूती हैं। और ऐसा नहीं कि इनकी सिर्फ ये वाली वीडियो ऐसी, इनकी सारी वीडियोस ऐसी हैं। अगर तुम भी जिंदगी से फारिग हो ना मेरी तरह तो जाके इनकी बाकी सारी वीडियोस भी देख लो, सारी ऐसी हैं। जैसे रुको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये थंबनेल चेक करो इनके वीडियो का, रियल फेस ऑफ घोस्ट। अब इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमें भूत का रियल चेहरा देखने को मिलेगा। तो रेडी रहो, अभी मैं आपको भूत का रियल चेहरा दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये है इनका भूत। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, यही है इनका रियल फेस ऑफ घोस्ट। इस वीडियो में लोग ने ये दिखाया कि इनको ये फेस बना हुआ नजर आता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है और ये फेस गायब हो जाता है। इससे भी आप देख सकते हैं किधर है, इधर नहीं देखा हमने, ये बनी यार, अब तो बिल्कुल वो नजर नहीं आ रही। बाकी पूरी 30 मिनट की वीडियो में ये वही इधर उधर घूमते रहते हैं चूतियों की तरह, वही बच्चोतियां करते रहते हैं कि मुझे वहाँ पीछे कुछ दिख रहा है, कोई वहाँ मेरे सामने से भाग के चला गया, कोई मुझे पत्थर मार रहा है, कोई मेरे उंगली करके भाग गया, किसी ने मेरे मुंह में दे दिया, वहाँ कोई कोने में बैठ के अपना हिला रहा है, बस यही चुतिया पकड़ते रहते हैं। और बन गए इनकी 30 मिनट की वीडियो। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने की शॉर्ट टॉपिक्स पर तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।